हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन इकोनॉमी का आज ये जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम चैप्टर 4 जो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया उसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो हमारे जैसे कि हर जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको पता होगा ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इन इंडिया इस चैप्टर के ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो स्टैटिक पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें जो पहले के जो चैप्टर्स है इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये तीनों चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देन पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ पे जो है जो एम्प्लॉयमेंट और जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं यहाँ पे, तो सारे जो लगभग 21 स्कीम्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे। देन पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में हम लोगों ने पॉवर्टी के ऊपर डिस्कस किया था कि पॉवर्टी बेसिकली क्या होती है, पॉवर्टी के क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, पॉवर्टी के कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो सारे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके साथ यहाँ पे जो है तीन जो पॉवर्टी के रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, वाई के अलका कमेटी के रिपोर्ट्स, देन लगदावाला कमेटी के रिपोर्ट और जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हम लोग जो है बाकी के दो यहाँ पे जो रिपोर्ट है, रंगराजन कमेटी के जो रिपोर्ट है और उसके साथ जो आरबीआई के जो रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो स्कीम्स है, तो यहाँ पे जो पॉवर्टी के लिए जो स्कीम्स निकाले हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुराने जो पार्ट्स है या चैप्टर्स है उसको एक बार प्लीज कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसको अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया तो ये पार्ट जो है थोड़ा आप लोगों को मुश्किल लग सकता है। सारे जो पार्ट्स को मैंने, सारे चैप्टर्स को एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग एक बाय एक हर जो चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, तो एक चैप्टर में एक से ज्यादा पार्ट भी लग सकते हैं, लेकिन उसको हम कवर जरूर करेंगे। तो ये जो है सारे चैप्टर्स है, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ये सारे जो चैप्टर्स वन बाय वन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो रंगराजन रिपोर्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने वाई के अलगा कमेटी के जो रिपोर्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा क्या क्या वहां पे थी। तो वहां पे जैसे कि वहां पे जो पॉवर्टी के लिए जो कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर बात की गई थी वहां पे, तो वहां पे बोला गया था कि जो रूरल एरियाज है वहां पे लोग जो है मिनिमम 2400 कैलोरी, और जो अर्बन एरियाज में यहाँ पे 2100 जो कैलोरी पर डे पर पर्सन को यहाँ पे कंजम्पशन अगर उन लोग कर सकते हैं तो उन लोग को यहाँ पे क्या है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा। अगर उससे उतना नहीं कंजम कर सकते हैं तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से माना गया था। देन उसके बाद आया जो लगदा वाला कमेटी ने, तो वहां पे उन्होंने काफी सारे और भी फैक्टर्स को ऐड किए थे, जो बास्केट्स ऑफ गुड्स जो बाय करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर यहाँ पे बात की थी। देन सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने भी काफी सारे यहाँ पे बात की। देन आज जो रंगराजन रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है जो चेयरमैनशिप जो है उनके अंदर जो है डॉक्टर सी रंगराजन के ऊपर जो है ये प्लानिंग कमीशन ने ये जो गठन की थी, ये रिपोर्ट के बारे में जो सर्वे गठन की थी, और इसका जो रिपोर्ट का जो ये सबमिशन उन्होंने किया था 2014 में किया था। तो इसकी रिपोर्ट के लिए ये जो प्लानिंग कमीशन ने गठन की थी 2012 में की थी, और इसकी सबमिशन हुई थी 2014 में। तो यहाँ पे जो है एनएसएसओ के जो सर्वे के हिसाब से यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ज्यादा ध्यान दिया गया था, कि यहाँ पे जितना खर्चा कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति उसको देखा गया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके हिसाब से, तो यहाँ पे 2016 के हिसाब से उस टाइम में यह बोला गया था कि टोटल जो है यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जो 2011-12 उस टाइम के हिसाब से 29.6% जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते थे, यानी कि पोर लोग उनको बोला गया था, जिसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो है सुरेश तेंदुलकर की कमेटी ने जो बोला गया था कि वहां पे उन्होंने बोला था कि जो पॉवर्टी जो है ये
1.9% है और उनमें से सिर्फ 26 करोड़ लोग ही जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते थे। तो ये आंकड़े थोड़ा अलग है। तो रंगराजन रिपोर्ट में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करके कुछ एनालिसिस भी यहाँ पे उसके बारे में बात की थी। तो यहां पे उन्होंने ज्यादा यहां पे इंपोर्टेंस दिया था यहां पे कंजम्पशन नहीं, तो यहां पे एक्सपेंडिचर यानी कि वो व्यक्ति जो है कितना खर्चा कर सकता है। तो इसके हिसाब से बोला गया था कि कोई भी जो रूरल एरिया में कोई भी जो गरीब आदमी वो अगर हर दिन जो है 32 रुपीज जो है खर्चा कर सकता है और जो अर्बन एरियाज में वहां पे 47 रुपीज अगर खर्चा कर सकता है तो उन लोग को वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं माना जाएगा। अगर उनसे कम हो गया 32 रुपीज गांव में और जो 47 रुपीज अगर सिटीज में अगर उससे कम खर्चा कर सकते हैं तो उन लोग को बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। तो यहां पे अगर मंथली एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो रूरल एरियाज में याद रखिए ये सारे जो आंकड़े हैं 972 रुपीज हर महीने हर व्यक्ति और जो अर्बन एरियाज में 1407 रुपये हर महीने हर व्यक्ति अगर अपने जरूरत के मुताबिक उन लोग अगर खर्चा कर सकते हैं तो उन लोग को पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा यानी कि उन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है कि एक फैमिली है सपोज तो वहां पे 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के एक फैमिली में यहाँ पे ये बोला गया है कि हर महीने जो है उन लोग को यहाँ पे बोला गया था कि 4760 रुपीज उन लोग खर्चा करने की एबिलिटी होनी चाहिए और जो अर्बन एरियाज में ये 7035 रुपीज हर महीने एक फैमिली जिसके जो टोटल मेंबर्स जो हो 5 हो तो ये जो है 2011-12 के हिसाब से बोला गया था। तो इसके नीचे अगर कोई खर्चा करता है तो उन लोग को बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे टोटल जो है 2011-12 में जो है रूरल एरियाज में 30.95% जो है यानी कि गांव में जितने लोग रहते हैं उनमें से 30.95% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन और 26.4% जो है वो जो शहरों में रहते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। तो यहाँ पे एक रेशियो यहाँ पे दिखाया गया था यानी कि यहाँ पे जो अर्बन एरियाज में पॉवर्टी लाइन के नीचे और जो यहाँ पे रूरल एरियाज में पॉवर्टी लाइन के नीचे तो उन लोग का एक रेशियो किया गया था। तो यहाँ पे देखा गया था टोटल जो है रूरल एरियाज में 41.8% और जो अर्बन एरियाज पे यहाँ पे 25.7% ये रेशियो के हिसाब से देखा गया था। तो यहाँ पे उस टाइम में 2004-2005 में देखा गया था कि टोटल इंडिया में जो है 37.2% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 2004-5 के पॉपुलेशन के 37.2% जो लोग हैं इंडिया में 2004-5 में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहा करती थी। और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा आप देख सकते हैं 1993-1994 में ये 50.1% हुआ करती थी और उनमें से जो है 50.1% ये हुआ करती थी इन द रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज पे ये हुआ करती थी 31.8% और उनमें 1993-1994 में इंडिया की जो एवरेज थी बिलो पॉवर्टी लाइन की ये 45.3% हुआ करती थी यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम पॉवर्टी यहां पे कम होती जा रही है इसको यहां पे साफ देखा जा सकता है। देन यहां पे बोला गया था कि 2009-2010 में यहां पे जो पॉवर्टी से जो है लगभग जो 9 करोड़ जो लोग हैं उन लोग को वहां पे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने को यहां पे गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिए थे। तो यहाँ पे जो है लगभग 45 करोड़ जो लोग हैं उस टाइम में बिलो पॉवर्टी लाइन से थे उनमें से 9 करोड़ जो लोग हैं वहां पे उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया गया था। तो काफी यहाँ पे इनिशिएटिव लिए गए थे। तो ये जो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे अगर देखा जाए जिस फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अगर सुरेश तेंदुलकर कमेटी और जो रंगराजन कमेटी के अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फॉर्मूला यूज करके देखा जाए कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी में यहाँ पे जो है 7.9% ही जो है पॉवर्टी एलिमिनेशन में यहाँ पे कामयाब हुई थी लेकिन रंगराजन कमेटी में यहाँ पे 8.7%। तो 8.7% फॉर इन फेवर ऑफ रंगराजन और 7.9% जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये देखा गया था कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी के फॉर्मूला के हिसाब से रंगराजन कमेटी की फॉर्मूला ज्यादा इफेक्टिव हुई थी। तो यहाँ पे ये देखा गया था। देन इसके बाद क्या हुआ कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे तैयार की थी। ये तैयार कब की थी 2016 में। तो इसका जो बेस ईयर इसका बेस ईयर रखा गया था 2011-12 के हिसाब से। तो इसमें देखा गया था कि गोवा में जो है सबसे कम पॉवर्टी है इन टर्म्स ऑफ स्टेट के हिसाब से गोवा में सबसे कम पॉवर्टी 5.09% 5.09%
और जब इंडिया की जो नेशनल जो पॉवर्टी जो है 2011-12 के हिसाब से ये 21.92% इंडिया की नेशनल एवरेज। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एक यहां पे डेटाज हम लोगों ने एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के सामने यहां पे रखा, थोड़ी सी ये ब्लरी है, इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन यहां पे आप थोड़ा आइडिया तो लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे, तो ये स्टेट्स जो थे ये 2011-12 के हिसाब से रखा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर को एक ही साथ रखा गया है, 2011-12 में जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, तो सबसे हिसाब से यहां पे देखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे यहां पे हर स्टेट्स का एक कंपैरिजन अगर देखेंगे, यहां पे 2004-05 और फिर 2009-10 फिर 2011-12 तब ये रिसर्च किया गया था। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज में काफी कमी आई थी। आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में 2004-05 में जो परसेंटेज है 29.9% हुआ करती थी, देन उसको 2009-10 में यानी कि 5-6 साल बाद ये कम होकर 21.1% होने लगी, और जब 2011-12 में ये 9.2% हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में ये थोड़ी सी बढ़ी भी है, जो पॉवर्टी है ये बढ़ी भी है। आसाम में ये 31.9% है, आसाम में भी ये बढ़ी, थोड़ी सी कम हुई है। और अगर हम देखेंगे सबसे कम जो है यहाँ पे गोवा में जो है 5.09%, इंडिया में सबसे कम अगर पॉवर्टी है कहीं पे फिलहाल एट प्रेजेंट जो है, तो ये आंकड़े जो है 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से 2016 में रिलीज हुई थी, यह याद रखिएगा। तो अभी के हिसाब से अगर कोई रिलीज हुई तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए कि गोवा में सबसे कम जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो 5.09%, और सबसे ज्यादा अगर कहीं पे है वो है छत्तीसगढ़, 39.93% जो लोग है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पॉपुलेशन है उनमें से लगभग 40% जो लोग हैं वहां पे उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे अलग अलग जैसे कि झारखंड है लगभग 36-37% के आसपास, यहाँ पे देख सकते हैं आप मणिपुर है लगभग 37% के आसपास, दादरा नगर हवेली यहाँ पे भी लगभग 40% के आसपास, ये यूनियन टेरिटरीज है। तो यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार में यहाँ पे सिर्फ 1% जो लोग हैं यूनियन टेरिटरीज में बिलो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पे, बाकी सबके यहाँ पे स्टेट्स का यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग एक अंदाजा लगाएंगे 2004-05 में क्या था कि इंडिया की जो एवरेज कंप्लीट ये स्टेट्स की एवरेज के हिसाब से एनालिसिस करके इंडिया की जो एवरेज थी 37.2% जो लोग हैं टोटल इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से रहती थी, देन क्या हुआ यहां पे 2009-10 के हिसाब से ये 29.8% जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से रहती थी, देन 2016 के हिसाब से ये जो आंकड़ा है 2011-12 के हिसाब से 21.92%, यानी कि लगभग 22% जो है लोग इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के यहां पे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इंडिया का अगर आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 131 करोड़ के आसपास अगर पॉपुलेशन होगी तो इनमें से जो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पे से लगभग 27-28 करोड़ जो लोग हैं अभी भी जो है उन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा मकान यहाँ पे हेल्थ है एजुकेशन है उन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही बड़ी आंकड़ा है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को यहाँ पे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं, परसेंटेज तो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके वजह से भी परसेंटेज कम हो रही है, लेकिन ये जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए पॉपुलेशन हिसाब के हिसाब से भी ये काफी बहुत ज्यादा है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग वही है कि 27 करोड़ के आसपास यहाँ पे है, तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बहुत सारे देशों में तो उतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती जितनी इंडिया में लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से रह रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स दिए थे, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है यहाँ पे आप जो देखेंगे वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स लिए थे, तो इसका भी एक यहाँ पे रिलेशन आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ पे इस नाम को ध्यान से देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो ये स्टार्ट हुआ था 1978-79 में। यहाँ पे क्या हुआ था कि गांव में जो गरीब लोग रहते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी दिया गया था और बैंक के क्रेडिट दिए गए थे, ताकि उन लोग जो है खुद से अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज डिजाइन कर सके और उन लोग अपने जो सेल्फ इंडिपेंडेंस के हिसाब से यहाँ पे जो खुद से कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1999 में यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको मर्ज कर दिया गया था जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के साथ।
तो यहाँ पे स्वर्ण ज्योति ग्राम रोजगार योजना में अलग अलग यहाँ पे सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया गया था, ताकि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जा सके, उन लोग की जो कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड किया जा सके, उन लोग की जो प्राइमरी जो प्लानिंग यहाँ पे जो उनके प्लानिंग के हिसाब से उसको इंप्रूव किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज में इंप्रूव किया जा सके, टेक्नोलॉजी हो, बैंक के क्रेडिट्स हो या मार्केटिंग लिंकेज उन लोग के लिए किया जा सके, ताकि उन लोग की यहाँ पे डेवलपमेंट हो, स्पेशली गाँव में जो लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना, और इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के हिसाब से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये स्टार्ट हुई थी 6th 5-year plan में। तो 5-year planning के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोगों ने अगर वो चैप्टर नहीं देखे होंगे, 3 parts में मैंने बनाए थे, वो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना के दे दिए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये 7th 5-year plan में इसको लॉन्च किया गया था। देन यहाँ पे क्या हुआ था कि अलग अलग यहाँ पे जो प्लान है उसको मर्ज कर दिया गया था जवाहर रोजगार योजना के साथ। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए यहाँ पे ध्यान दिया गया था, जैसे कि रोजगार योजना यानी कि ग्राम समृद्धि, गांव के जो समृद्धि और रोजगार को यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, ताकि वहां पे जो अनएम्प्लॉयड है और अंडर एम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयड क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं Part 1 Chapter 4 के, तो वहां पे उसको भी आप देख सकते हैं। तो रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वहां पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वहां पे जो कम्युनिटी हो, सोशल एसेट्स हो, उसके बारे में भी इसको ध्यान दिया गया था। देन जवाहर रोजगार योजना का इसका जो नाम है इसको 1999 में चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसका नाम कर दिया गया था। तो यहां पे जो है रूरल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा ध्यान दिया गया था। देन सेकेंड जो यहां पे ध्यान दिया गया था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके बारे में भी यहां पे ध्यान दिया गया था। देन नेक्स्ट जो है रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना, काफी यहाँ पे ये बात हुई थी। देन इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं, स्पेशली यहाँ पे मेन टारगेट किया गया था SC ST OBC ऐसे लोगों के लिए वहां पे, तो यहाँ पे जो है उन लोग को यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना के हिसाब से यहाँ पे जो है घर मिले थे यहाँ पे, और इसको मर्ज कर दिया गया था 1989 में जवाहर रोजगार योजना के साथ जो इंदिरा आवास योजना को, फिर 1996 में इसको अलग कर दिया गया, फिर से ये इंदिरा आवास योजना हुई और इसको सेपरेट हाउसिंग स्कीम जो गरीबों के लिए इसको स्टार्ट किए गए थे। देन यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो ये जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नाम से आप ध्यान दीजिए, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो ये जो है ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 में। तो इसमें ये बोला गया था कि जो भी लोग हैं वो उन लोग जो है ओवर 65, बाद में इसको 60 इयर्स तक कर दिया गया, ताकि उन लोग जो काम अफोर्ड नहीं कर सकते, काम नहीं कर पा सकते हैं, उन लोग अगर 60 साल से उन लोग की उम्र ज्यादा होगी तो यहाँ पे उन लोग को ये पेंशन मिलेगी। तो पेंशन यहाँ पे कितनी मिलती थी, पहले 200 रुपये हर महीने मिलती थी, बाद में इसको बढ़ा के 2000 रुपये हर महीने तक बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2000 रुपया महीना जो है कोई भी व्यक्ति जो है बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की होगी तो उनको यहां पे हर महीने 2000 रुपये का यहां पे पेंशन मिलेगी। तो ये जो है पेंशन स्कीम स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, फैमिली बेनिफिट स्कीम, इसको ध्यान दीजिए नाम को। देन ये स्कीम जो है स्टार्ट हुई थी 1995 में अगस्त में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्कीम जो है स्पॉन्सर किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में यहाँ पे स्टेट सेक्टर स्कीम के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था 2003 में। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पे जो है कम्युनिटी और रूरल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे ध्यान दिया गया था, उसके अंडर ये थी ये। तो यहाँ पे जो कोई भी व्यक्ति अगर उनकी जो मेन जो ब्रेड ओनर है यहाँ पे, यानी कि जो मुखिया है, उनकी अगर वहां पे डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को यहाँ पे 20,000 रुपीज का एक मुआवजा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त थी कि जो भी यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली है उनकी जो आयु है 18 साल से ज्यादा की होना पड़ेगी यहाँ पे, मतलब कोई भी माइनर अगर है, उनकी अगर फैमिली है, उनको यहाँ पे उनकी अगर डेथ हो गई बाई चांस तो उनको ये पेंशन की बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये भी स्टार्ट किया गया था अकॉर्डिंग टू जो पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है
लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन लोग जो है खुद से जो है, अगर एक पैटर्न को आप देखेंगे वहां पे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स भी निकाले हैं, ताकि लोगों को यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे उन लोग गरीबी में ना रह पाए, उन लोग खुद से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और जो लोग है वहां पे काम करने के लिए सक्षम नहीं है उन लोग के लिए भी यहाँ पे घर हो, रोजगार हो, या बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो ये कुछ कुछ रीजन है जिसके वजह से थोड़ी भी तो यहाँ पे जो यहाँ पे पॉवर्टी है कम हुई है। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। तो नाम से आप पता लगता है था यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती महिला है उनको यहाँ पे 6,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे मिलते थे। तो यहाँ पे क्या बात है कि कोई भी जो अगर लेडीज है उनकी जो उम्र 19 साल से ज्यादा होगी तभी ये मिलेंगी। तब उन लोग जो है यहाँ पे जो 12 से 8 हफ्ते जो उन लोग की डिलीवरी से पहले उन लोग की यहाँ पे मिलना शुरू होगी, ये 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में मिनिमम 2,000 रुपीज का यहाँ पे मिलेंगे। तो बाय चांस अगर उस लेडी की यहाँ पे जो बच्चों की मौत भी हो गई वहां पे गर्भ जो यहाँ पे डिलीवरी के द्वारा, तब भी ये जो पैसे उनको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है ये इंप्लीमेंट किया गया था तकरीबन हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनके जो पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज के हेल्प के द्वारा। तो ये स्कीम जो है स्पेशली यहाँ पे रखा गया था जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहते हैं इन लोग के लिए ये स्कीम रखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो 2005-2006 में ये स्कीम जो है जननी सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बर्थ अगर होगी, कोई भी जो यहाँ पे लोग हो गए यहाँ पे अपडेट किया गया था, उनको जो है यहाँ पे 1,400 रुपया तक यहाँ पे पैसे मिलेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई थी। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा जैसे कि नाम से जाना जाते कि अन्न जो है चावल अनाज जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1999-2000 में। तो ये बेसिकली क्या है, जो भी यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो जो उनके खुद के जो केयर नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग आदमी है या उन लोग की जो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उन लोग को ये नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ये बेसिकली ये जो है ये नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आती है जो अन्नपूर्णा स्कीम है, और जो लोग यहाँ पे उन लोग की खुद की केयर नहीं कर सकते। तो इस स्कीम के अंदर जो है कोई भी जो व्यक्ति है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन है उन लोग को 10 kg जो है यहाँ पे अनाज जो है हर महीने उन लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे इस स्कीम के तहत जो 2001 में यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे एक जो प्लानिंग किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुई थी 2001 में। तो यहाँ पे पहले जो है 8 अलग अलग जो सूखे ड्रफ अफेक्टेड एरियाज यानी कि जो जगहों पे सूखे